बिहार के सत्तारूढ़ पार्टी जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल ने एक बेहद शर्मनाक हरकत की है, जिसके चलते वो एक बार फिर से विवादों में घिर चुके हैं। राजेंद्र नगर से नई दिल्ली को जाने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस में गोपाल मंडल यात्रा कर रहे थे। इस दौरान वो कपड़े उतार कर चड्डी बनियान में ही ट्रेन में घूमने लगे। गोपाल मंडल को इस तरह देखकर कोच में मौजूद दूसरे यात्रियों ने आपत्ति जताई और उन्हें कपड़े पहनने के लिए कहा, लेकिन जदयू विधायक नहीं माने और उस यात्री के साथ गाली गलौज करने लगे। विवाद को बढ़ता देखकर वहां मौजूद आरपीएफ की टीम ने मामले को शांत कराने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये घटना दिलदार नगर स्टेशन के पास हुई है। दरअसल गोपाल मंडल तेजस राजधानी में सफर कर रहे थे, उसी कोच में जहानाबाद के रहने वाले प्रहलाद पासवान अपने परिवार के साथ नई दिल्ली जा रहे थे। तभी उन्होंने जदयू विधायक को कपड़े उतार कर चड्डी बनियान में घूमते हुए देखा। गोपाल मंडल को इस तरह से बनियान में टॉयलेट जाते देख लोगों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद प्रहलाद ने आपत्ति जताते हुए उनको कहा कि महिला यात्री भी साथ में ही ट्रैवल कर रही हैं, इसका उनको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन विधायक इस बात को समझने के बजाय नाराज हो गए और प्रहलाद को गालियां देने लगे। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि पूरे कोच में हंगामा हो गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने मामले को शांत कराने की कोशिश की। बाद में वहां मौजूद आरपीएफ की टीम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन की रेल पुलिस को सूचना दी। जब ट्रेन वहां पहुंची तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पूरे मामले की जांच की। हालांकि बाद में इसको लेकर गोपाल मंडल की सफाई भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि वास्तविक में हम चड्डी बनियान में नहीं थे, क्योंकि जैसे ही ट्रेन पे चढ़े मेरा पेट खराब हो गया। मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। इस मामले में फिलहाल अभी लिखित शिकायत नहीं की गई है, जिसके बाद ट्रेन वहां से आगे निकल गई।